चले गए ये लोग हमको छोड़ के, कितना दूर, तो गजब हो गया गजब। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो हम लोग का बनारस में आज सेकंड डे, तो अभी हम लोग होटल चेकआउट कर रहे हैं, गला में डाल ले। तो अभी हम लोग होटल चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि इशूज था इस होटल से, मतलब पसंद नहीं था क्योंकि बाथरूम वगैरह बिल्कुल गंदा था और साफ करने के लिए बुलाने पे एक घंटा में आता, रूम सर्विस बहुत घटिया, होटल पैराडाइज वाराणसी। तो हम लोग चेंज मतलब कर रहे हैं इस रूम को, तो अभी चेकआउट हो रहा है। नेहा भी तैयार हो गई, तन्नु भी तैयार हो गई, शिवानी भी तैयार हो गई और दीदी लोग का भी वहाँ सामान आ गया लेने के लिए, अभी हम लोग निकलेंगे। हाँ क्या हो गया, क्या बोल रही हो, जूता अच्छा नहीं लगता है, अच्छा कुर्ता पैजामा पे, तुम चप्पल पहन के चल रही है, जाओ चेंज करो जल्दी, सामान गया तुम्हारा। अरे क्यारा भी हमारी तैयार हो गई है, देखे जरा क्यारा कितनी सुंदर लग रही है, इधर आओ ना दिखाओ ना, दूर से दिखाओ, तुम्हारा ड्रेस दिखाएंगे, देखिए कितना प्यारा ड्रेस पहनी है क्यारा, क्या लगा रही है। हाँ हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, हम लोग सब तैयार भी हो गए हैं और आज थोड़ा ठंडा लग रहा है, तो देखते हैं स्वेटर भी पहनना पड़ेगा ना, तब हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है बाहर, तो देखते हैं स्वेटर भी पहनेंगे क्योंकि हम लोग होटल चेंज कर रहे हैं इसलिए। क्या फैमिली, तो हम लोग होटल को अब चेकआउट कर चुके हैं फुल्ली और कर चुके हैं फुल्ली बोल रहे हैं, और उसके बाद चेकआउट करने का सबसे बड़ा कारण था कि बहुत ज़्यादा इंटीरियर में, मतलब हम लोग खुद से मार्केट से काफ़ी दूर, क्योंकि बुक किए थे ऑनलाइन तो पता तो चलता है नहीं, तो हम लोग रात को ही होटल देख लिए थे शाम को कल, अच्छा सा होटल जो आसपास में ही है। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने दूसरे वाले ऑटो होटल पर, और सोनिधि लोग और क्यारा तन्नु एक ऑटो पे एडजस्ट हो गए, हम दोनों नहीं हो रहे थे, तो थोड़ा 5 मिनट के चलने के रास्ते पे, 10 मिनट के चलने के रास्ते पे, तो वहाँ पे जाके अभी पहले हम लोग चेंज करेंगे और फिर नए होटल में चलेंगे। उलो का कहाँ गया ऑटो गाइस। तो अब हम लोग ये वाले होटल में आए हैं और रूम इसका काफ़ी अच्छा है, चलिए चलते हैं। तो हम लोग अपने सेकेंड होटल में आ गए हैं, तो पहला रूम तो ये वाला है जो हम लोग चेंज किए हैं, और दूसरा रूम अभी ये साफ़ हो रहा है, इसके बाद साफ़ होने के बाद इसमें हम लोग शिफ्ट होंगे। सेकंड रूम ये है, क्यारा का खेल शुरू है, खेलो शुरू है। अब हम लोग जाने वाले हैं खाना खाने के लिए, पहले चलिए तो चलो लॉक कर लो ये वाला रूम। तो हम लोग आ गए हेट बनारसी खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए, तो अब नाश्ता ऑर्डर करो जल्दी। क्या ऑर्डर कर रही हो, नाश्ता ऑर्डर कर रही हो, एक उम्मा दे दो मीठू वाला पापा को जल्दी। तन्नू आ गए, मौसी है कि तन्नू है, हद हो गया, बहुत तेज बनती है तुम, उम्मा दे रही फॉलो कर उसको। तो हम लोग का पूरी सब्जी आ गया है, क्यारा खाएगी पूरी सब्जी, खाएगी क्या। सब चाय पी रहे थे तो हम लोग सिर्फ टेस्ट करने के लिए चाय लिए थे, चाय तो अच्छे है ना, चाय अच्छा है, चाय बहुत अच्छा है, बनारस का चाय बड़ा मजा आए। हे गाइस, तो अभी हम लोग टोटो किए हैं, सारनाथ जा रहे हैं और सब एक ही टोटो में आ गया, कार सोचे थे लेकिन कार से क्या है ना कि अटका नहीं है सब और टोटो ऐसा चीज है कि सब किसी ना किसी तरह अट ही जाता है ना, तो ये टोटो बड़ा है ना, और कार में इतना मतलब छोटा कार लेते तो इतना नहीं अटता, तो एडजस्ट कर रहे हैं हम, तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये और क्यारा बैठ गई है गोदी में और तन्नु आज पूरा स्टाइल मार के बैठी, और यहाँ पे सोनी दी भी पूरा अच्छा गाउन पहनी हुई है और डुगू
और यहाँ पे शिवानी और यहाँ पे जीजा जी बैठे हुए हैं आगे और ड्राइवर के साथ। देखा बच्चों खारा के लिए तो लगता है 1 घंटा लगभग लग जाएगा जाने में। और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग और आने वाला है। और नेक्स्ट ब्लॉग तो आरती का होने वाला है जैसा कि आपको पता है, और हम लोग इस बार सीढ़ी पे बैठ के बनाएंगे। अगर हम लोग आरती दिखा पाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। गाइस तो हम लोग पहुँच गए हैं वाराणसी के सारनाथ पे। सारनाथ में 3 लोकेशन है घूमने के लिए। सबसे पहला तो ये है थाई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, उसी के बगल में हम लोग हैं अभी फिलहाल खड़ा। और आते के साथ अभी एंट्री नहीं लिए हैं, अभी हम लोग जस्ट उतरे ही हैं। और उसके बाद क्या दिख गया है, कहाँ गई नेहा, कहाँ चली गई नेहा, कहाँ गई नेहा? ओ तुम यहाँ शॉपिंग, हम खोज रहे हैं। कितने का है? 100 ठीक है ले लो। हे गाइस तो यहाँ पे ककड़ी ले रहे हैं अपने लिए। क्या बोलते हैं इसको? ककड़ी। और इधर भी ककड़ी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ककड़ी बोलते हैं। बिहार में और खीरा जैसा लगता है, है नहीं? गर्मी का चीज़ है। क्यारा क्या कर रही है? क्यारा क्या कर रही है? कुछ नहीं। तो हम लोग यही इसके अंदर जाने वाले हैं अभी और ककड़ी खा रहे हैं। तो गाइस चलते हैं हम लोग अंदर अभी। चलो क्या, अभी हम लोग आए हैं बुद्धा मोनेस्ट्री में जो कि है सारनाथ में, जैसा कि पहले आपको बताया। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ का ओवरव्यू सबको। यह है यहीं पे पहली है, यहाँ पे सब खा रहा है, पी रहा है, सब खेल कर रहा है, जबकि सब गेट पे लिखा हुआ था ना खाने पीने का सामान ले जाना है और ना पानी का, सब रूल तोड़ने वाला है। और सोनी दी तो बाहर में खरीदी है झालमुरी और बैग में रख ली है, सब चीटिंग करता है, नियम का कोई पालन नहीं करना है। मतलब सबसे पहले वीडियो में जो लोकेशन है उसका हम दिखाते हैं अपने इंडिया का सबसे अच्छा चीज़ जो कि है अशोक स्तंभ। एक गाइस तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पहले पूरा ओवरव्यू देख लीजिए आप, जो कि काफी खूबसूरत। एक गाइस तो यहाँ सबसे मेन चीज है ये बुद्ध जी का इतना बड़ा स्टैचू, जो कि बिल्कुल अभी अंधेरा आ रहा होगा आपको क्योंकि सनलाइट बिल्कुल हेड पे है यहाँ पे। और ये बहुत बड़ा प्रतिमा है, रेड स्टोन का बना हुआ है टोटल बुद्ध जी का। और यहाँ पे क्या कर रही हो तुम लोग? वीडियो ही बन रहा है तुम लोग? कहाँ पे बनाओगे अब? बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ धूप है, बिल्कुल ब्लैक फोटो वीडियो सारा आ रहा है, स्टैचू तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ हाँ मेनली यहाँ पे यही चीज़ है। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, मतलब उधर भी एक लोकेशन है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो वो लोग उधर से जा रहे हैं और हम इधर से जा रहे हैं, पूरा व्यू देते हुए। ये कैसे हो सकता है, पीछे हम गिर जाएंगे। तो वहाँ दीदी लोग आगे गई है और क्यारा यहाँ आ रही है। क्यारा को नहीं ले जाएंगे, क्यारा को छोड़ के जाएंगे, ठीक है ना? पापा पहुंच जाएंगे। ये तो अलग बीजी रहती है। तो ये क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आगे जाके पता चलेगा। चलते हैं देखते हैं क्या है ये। टेंपल है बुद्धा का, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कृपया जूता चप्पल उतारें, मतलब 100%
ये टेंपल है, सब वहाँ वीडियो बनवा रहा है। आओ जल्दी, चलते हैं अंदर। तो ये टेंपल है यहाँ का, जैसा कि आप देख रहे हैं बुद्ध भगवान जी का। तीन रास्ते हैं यहाँ से, एक दो तीन, इधर। हे गाइस, तो यहाँ पे क्यारा फोटो शूट करवा रही है, क्यारा फोटो शूट करवा रही है भैया साथ। सिर्फ तब से ना बदमाशी किए जा रही है क्यारा। वो यहाँ का तो आप वीडियो बना लिए थे ना, हम फिर से स्टार्ट कर दिए। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दूसरे लोकेशन के लिए, और यहाँ पे देखिए बुद्धा, क्या बोलते हैं इसको, लाफिंग बुद्धा। तो यहाँ पे लाफिंग बुद्धा, और ये शुभ माना जाता है सुबह सुबह देखने से। तो सोनी भी वहाँ फोटो खींचिए कर रही है, और सब आगे चला गया, देखिए हमको छोड़ के ही चले गए। यहाँ पे यहाँ चौखंडी स्तूप भी आए हैं हम लोग, चौखंडी स्तूप। तो टिकट लेना है क्या, क्या हुआ, टिकट भी लेना है क्या? स्कैन करना होगा, स्कैन करना होगा। कितना का है? और क्या आ रहा है यहाँ पे, मस्ती कर रही है। और शिवानी क्या खा रही है, बुढ़िया का बाल। तुम भी खा रही है, आहा आहा आहा, क्या डांस है क्यारा का, मस्त डांस है क्यारा। क्यारा क्या खा रही है बता दो ना, बुढ़िया का बाल। क्यारा जा रही है अंदर, चलो 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 अंदर चलो, देखते हैं कैसा चौखंडी स्तूप। आ गई तुम पहले, टिकट के बिना कैसे घुस गई, अंत हो गया तुम्हें ना। क्या बेटा, पार्क में जाएगी। टिकट हम ऑनलाइन काटे हैं और किए हैं। हाँ, कितना का हुआ, क्या है ये दिखा दो पहले। चौखंडी स्तूप चार भुजा वाले आधार पर बनी है, ईंट निर्मित विशाल संरचना। अच्छा आप पढ़िए मत, विशाल है। 5वीं सदी में बनाया स्तूप संभवतः उस स्थान विशेष का द्योतक है जहां बोधि प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने प्रथम पंचवर्गीय ऋषि होने। चलिए 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 चलिए, मतलब इससे पता क्या करा दे, झूला झूल करा दे, पार्क में चलेंगे क्या ना, पार्क। चारों तरफ से बहुत अजूबा टाइप का है, क्योंकि चारों तरफ से ईंट ईंट का ही बना हुआ है। कोशिश करते हैं पास से दिखाने का, बहुत गड्ढा गुड्ढी भरा हुआ है। हाँ चलते हैं, कोशिश करते हैं दिखाने का। ये पूरा ईंटा का बना हुआ है, ऊपर घर टाइप का है, पूरा टाउन उस समय दिखता होगा, उस समय तो इतना डेंस होगा नहीं। देखिए कहाँ चले गए ये लोग हमको छोड़ के, कितना दूर, ये तो गजब हो गया, गजब। मतलब कि वहाँ पे सट के वीडियो बनाना है इनको। जल्दी आइए, कितना वीडियो बना रहे, आइए। तो हे गाइस, यहीं पे इस ब्लॉग को हम लोग एंड कर रहे हैं, है ना। हाँ। बहुत ज्यादा हो गया, क्या हो गया, क्या रहा, क्यों रो रही हो, थक गई क्या, चलो खाना खाओ, चलो खाना खा लेना। अगर वीडियो पसंद आया तो क्या रहा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और क्यारा को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। बाय करो क्यारा, जल्दी बाय बाय करो।
शर्मा गई क्या? बाय। ये है बनारस की छोटी छोटी सकरी सकरी गलियां। बनारस घूमने आए और ये गलियां ना घूमे तो आप क्या घूमे? तो मतलब कुछ नहीं घूमे। यहाँ लोग गली घूमता है ना, तो हम लोग भी गली घूम रहे हैं। Continue straight past Shani Vegetable Shop, then turn right onto Gauri Kadara.